Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you two words, agree with or agree at. आपको with कहाँ use करना है और at कहाँ पर use करना है, इसे हम preposition कहते हैं. और कुछ जो शब्द होते हैं उनके साथ जब preposition जो है लगता है उसमें थोड़ा सा confusion रहता है कि कहाँ पर हमें with use करना है और कहाँ पर at use करना है. तो ये दोनों ही सही हैं, दोनों में एक छोटा सा difference जो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है. जैसे यहाँ पर लिखा है व्यक्ति के समय व्यक्ति से सहमत. यदि आप किसी व्यक्ति से सहमत है तो फिर आप विथ का यूज़ करें. जैसे यहाँ मैंने एक सेंटेंस दिया है, आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ. तो यदि आप व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप प्रीपोजिशन विथ यूज़ कीजिए एग्री के साथ में. और यदि आप अन्य किसी चीज़ से सहमत हैं, किसी बात पर सहमत हैं, तो फिर उसके लिए आप एट का यूज़ कीजिए. यहाँ एक सेंटेंस दिया है मैंने, आई एग्री एट योर स्टेटमेंट, मैं तुम्हारे स्टेटमेंट पर सहमत हूँ. तो छोटा सा डिफरेंस है, सिर्फ आप इतना सा याद रखिए. व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो फिर आप विथ का यूज़ कीजिए प्रीपोजिशन, और यदि अन्य किसी बात से सहमत है तो फिर उसमें आप प्रीपोजिशन एट का यूज़ कीजिए. यही सेम लॉजिक जो है आप एंग्री के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, एंग्री विथ और एंग्री एट. आप व्यक्ति से नाराज़ हैं तो बोलिए आई एम एंग्री विथ यू. अन्य किसी बात से नाराज़ हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम एंग्री एट योर स्टेटमेंट, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर. इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं कि बहुत छोटा सा अंतर है और आप इसे क्लियर कर सकते हैं. व्यक्ति से व्यक्ति के साथ विथ लगाना है और अन्य किसी बात पर एट लगाना है. इस तरह के कुछ और जो डिफरेंस यदि आप चाहते हैं तो मैंने मेरी बुक डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश में ये बहुत सारे जो हैं डिफरेंस इस तरीके के दिए हैं. ये अमेज़न पर अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं इसे. और इस तरह के कुछ और डिफरेंस आप जानना चाहते हैं, सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ये जो छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स होती है इन्हें आप सुधारना चाहते हैं, तो आप YouTube पर डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश लिखें, फिर आप मेरे चैनल में चले जाएं, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें एक डिफरेंस नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई है, उसमें इन छोटे छोटे अंतर्स को आप आसानी से देख सकते हैं. आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ें पढ़ाएँ, देश को आगे बढ़ाएँ. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.